हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी रसोई में चाउमीन बनाऊंगी। ये मैं जो पैकेट चाउमीन लिया है, और ये मसाला है, ये नींबू है, पानी हमने रख दिया है उबलने के लिए। ये मेरा पानी उबल रहा है। मैंने बीच से चाउमीन को तोड़ लिया है। अब उसी पानी में मैं डाल दूंगी, और नींबू हमने गार के उसी में डाल दिया है। मेरी चाउमीन उबल के तैयार हो गई है। ये थोड़ा सिरका हमने लिया है चाउमीन में डालने के लिए। मैंने कढ़ाई रख दिया था, उसमें तेल डाल के प्याज और हरी मिर्च हमने काट लिया था, उसको डाल के मैं खूब अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। एक चम्मच मैं हल्दी डाल रही हूँ, इसका कलर चेंज हो जाएगा। और शिमला मिर्च हमने काट के रख लिया था, उसको डाल रही हूँ। खूब अच्छी तरह से इसको मैं फ्राई करूँगी। स्वाद के अनुसार हमने थोड़ा नमक डाल दिया है। ये शिमला मिर्च उसके साथ थोड़ा पक जाएगी। हमने चाट मसाला थोड़ा सा डाला है, धनिया पाउडर हमने डाला है थोड़ा सा। अब मैं चाउमीन इसमें डाल के अच्छे से फ्राई करूंगी। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। और इसमें थोड़ा सा ये सिरका मैं डाल रही हूँ, इससे जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा। ये मसाला मैं डाल रही हूँ, इसको डाल के खूब अच्छी तरह से चलाऊंगी, इसमें मिक्स हो जाएगा। ये मेरी चाउमीन तैयार हो गई है। मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। घर पर बनाइए और बच्चों को खिलाइए। हमने इसमें चटनी थोड़ी सी डाल दिया है। आपको जो चटनी पसंद आए वो डालिए। हमने बच्चों के हिसाब से खट्टी मीठी चटनी डाला है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करिए। नमस्ते दोस्तों।